अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। कहानी में अहम मोड़ तब आता है जब जावेद नौशी और उसकी माँ को गिरफ्तारी दे देता है। शाहाना जावेद से कहती है इनको आज़ाद करवा दो, इस केस से बरी करवा दो, लेकिन उल्टा वो शाहाना के साथ लड़ता है और तब इस वक्त परवेज आगे बढ़ता है। वो नौशी और उसकी माँ को पीर वास्तव से बचा लेता है। इस बात को शाहाना ये समझती है परवेज़ ने उसके ऊपर एहसान किया है, उसकी मोहब्बत में ये सारा कुछ किया है, वो उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती है। लेकिन परवेज़ जो कि ठरकी किस्म का आदमी होता है वो डबल गेम खेलता है। एक तरफ तो शाहाना को खुश कर देता है और दूसरी तरफ वो नौशी और उसकी माँ के ऊपर एहसान करता है और उन्हें अपने घर ले आता है। असल में परवेज़ की नज़र नौशी के ऊपर होती है। वो नादरा बेगम से कहता है अगर नौशी फिल्मों में काम करे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकती है, उसे बहुत ज़्यादा शोहरत भी मिल सकती है। नादरा बेगम खुश हो जाती है और इजाज़त दे देती है और यूं नौशी स्टार बन जाती है। नदीम नौशी से कहता है कि वो उसके साथ शादी कर ले, लेकिन नौशी का ये ख्याल होता है कि उसका मुस्तकबिल परवेज़ के साथ ज़्यादा महफूज होगा, इसलिए वो परवेज़ के साथ का हामी भर लेती है।